पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद में शामिल तमाम नए मंत्रियों को एक नया मंत्र दिया और किसी भी तरह की गैर जरूरी बयानबाजी से बचने और सिर्फ अपने काम में ध्यान देने की सीख भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया है कि नए मंत्रियों को क्या करना चाहिए और किस बात से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने तमाम नए मंत्रियों को पुराने मंत्रियों से मिलकर उनके अनुभव का फायदा लेने को कहा। साथ ही कहा है कि नए मंत्री वक्त से अपने दफ्तर पहुंचे, नए मंत्रियों का सारा फोकस मंत्रालय के काम पर होना चाहिए, गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी गई है, अपने मंत्रालय के कामकाज का सोशल मीडिया पर बेहतर प्रचार करें। पीएम मोदी ने कहा कि नए मंत्री ऐसे काम करें जिससे आम आदमी के जीवन में बदलाव आ सके और हम सभी को देश के लिए ही काम करना है। मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए मनसुख भाई मांडविया को लेकर पीएम मोदी ने साल 2012 में ही भविष्यवाणी कर दी थी और बताया था कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तमने कदर लागू हो से कि आपना मनसुख भाई राज्यसभा में गया सम्मान से हालो जी आविए मित्रों घटना एवी नानी नथी। आज की तारीख 9:35 हूँ बोली रहो कोई ने डायरी नोंधी हो तो नहीं रख मित्रों हूँ स्पष्ट जोई रहो छू मनसुख भाई नो भविष्य के तो उज्जवल से मैंने साफ देखा एनामा पड़ेली शक्तियों आवती काल केवी उजाड़वानी छे एनो मने पूरेपूरो अंदाज छे दोस्तों અને મને વિશ્વાસ છે હું સાચો પડીશ। केंद्र सरकार ने करीब 7 महीने से ज्यादा दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है, वहीं किसान नेता तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कह चुके हैं सरकार किसानों के साथ बाकी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियां और एमएसपी पर खरीद प्रणाली पहले की तरह बनी रहेगी, इसे और मजबूत किया जाएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त के साथ नहीं। बता दें, कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब किसान संगठनों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान विरोध तेज करने का फैसला किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।